always think of you when spring comes. Like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to the time. Hey guys, welcome back to another day and another blog. गाइज आज का एपिसोड मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ मेरे पिछले एपिसोड से, जहाँ पे आपने देखा था कि मैं बैंगलोर से पॉन्डिचेरी बाय रोड ट्रिप आया। और ये वाले ब्लॉग में आपको पता चलेगा हम लोग आफ्टरनून को पार्क गेस्ट हाउस, जो कि श्री औरबिंदो सोसाइटी के गेस्ट हाउस है, वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग किस तरह इवनिंग को एक्सप्लोर किए वाइट टाउन को। हम लोग वाइट टाउन में दो तीन जगह गए और उसके बाद शाम होते होते हम लोग गए फेमस बेकर स्ट्रीट बेकरी, जो कि पॉन्डिचेरी में है, और साथ ही में हम लोग डिनर किए फेमस बिरयानी शॉप अमा सी बोल के। ये वाला है चीज सैंडविच। चीज सैंडविच है सर? तुम्हें क्या कहा सैंडविच करो? वी लव सैंडविच। वी विल हैव सैंडविच। टू सैंडविच, वन पार्सल वन हियर। यस। या। गाइस इधर पे मैं और लीना एक सैंडविच खाए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। Hey guys, basically ये आपका श्री औरबिंदो सोसाइटी है, गेस्ट हाउस है। हाँ मैं, मेरा फादर ने रखा था। क्या वो गाड़ी उधर पे नहीं है पार्किंग? टर्निंग पॉइंट है ना? हाँ है, उसमें पार्क नहीं करने का। अच्छा उसके बाद में जाए। हाँ वो मुझे पता नहीं। ठीक है ओके। तो गाइस बेसिकली दिस इज ए गेस्ट हाउस। तो इस तरह के श्री औरबिंदो सोसाइटी के बहुत से गेस्ट हाउस हैं। तो हम लोग एक्चुअली दूसरा गेस्ट हाउस में रुकने वाले थे, वो नहीं मिला, तो हम लोग को ये मिला है। तो इट्स ए वेरी बेसिक सोसाइटी, कोई हाई फाई नहीं है, बट माई वाइफ लीना को इस तरह का सोसाइटी में बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट मुझे भी अच्छा लगता है। सो दैट्स वाई आप ये देख रहे हो, इस साइड में बीच है, बीच के तरफ आपकी ये सब सारे रूम वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा है। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे दिस काइंड ऑफ प्लेस इन पॉन्डिचेरी, यू हैव टू पे मिनिमम 10 to 11,000, बट हम लोग पे कर रहे हैं 2,700 या 2,500, दैट्स इट, इतना ही है। तो आई थिंक हम लोग का रूम किधर है, मेरे फादर का। सबको ये सब जगह पसंद है। दीज आर द नेचुरल सेंट प्रोडक्ट। जो लोग भी औरबिंदो एक सोसाइटी है, जैसे मैं बोल रहा था, यहाँ पे सब कुछ नेचुरली हैंडमेड, यहाँ के जो नियर बाई के लोकल्स हैं वो लोग इसको इस तरह की चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, जिससे ये एक पॉन्डिचेरी के लोगों का एक छोटा सा इनकम का जरिया है। तो जब तक यहाँ पे वो लोग ख़रीद के आते हैं, तब तक मैं इधर पे चुपचाप बैठता हूँ, थोड़ा सा नैप ले लेता हूँ। बिकॉज आज सुबह से मैं 4 बजे उठा हूँ, नॉट 4 बजे यार, 2 बजे उठा, 2 बजे से उठ के
ये सब कर रहा हूँ, बहुत टायर्ड हो गया कुतुब खान। कब से मैं अंदर बैठा हुआ हूँ ये देखो, ये लोग फोटो उठाए ही जा रहे, मतलब ख़त्म, मतलब लाइफ में मतलब पता नहीं क्या बोलना है यार, छोड़ो गाइस। ये वाला है ओल्ड कॉटेज, यहाँ पे सारे आपके अगरबत्ती बस, तो यहाँ पे सब हैंडमेड मटेरियल मिलता है एंड ऑर्गेनिक मिलते हैं, तो ऑल दोस थिंग्स। तो दिस इज अ वाइट टाउन कम्प्लीटली, मैं आपको पूरा वाइट टाउन घुमाऊंगा, दिखाऊंगा छोटा छोटा। This is one of the most another important thing. This is sweet shop of Shri Aurobindo Society. तो यहाँ पे बहुत से मिठाई मिलते हैं, लोग मिठाई खाते हैं, बहुत ही प्योर होता है। तो यूजुअली हम लोग जब भी आते हैं इधर से भी कुछ ना कुछ मिठाई वगैरह लेते ही हैं। सो आई थिंक सो दिस इज़ द एंटायर थिंग आई लाइक, यहाँ के जो मिठाई, यहाँ के जो क्या बोलते हैं स्वीट्स, यहाँ के जो वेजिटेबल फ्राई होते हैं बहुत ही अच्छे टेस्टी होते हैं। तो गाइज ये है बेसिकली इवनिंग पे आपका प्रोमिनेंट बीच जो कि वाइट टाउन के बाजू में है। सब लोग आते हैं, जो लोग भी पौंडीचेरी घूमने आते हैं, और आपको इस तरह के बहुत तरह के कैफ़े मिल जाएंगे। ये है द स्पॉट कैफ़े, द लाउंज बार, यहाँ पे और एक जीएमटी इज़ वेरी फेमस, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे बहुत से पिक्चर स्पॉट है जहाँ पे आप पिक्चर वगैरह ले सकते हैं, इट्स ब्यूटीफुल। गाइस इसके बाद हम लोग प्रोमिनेंट बीच एक्सप्लोर कर रहे थे, एक्सप्लोर करते करते शाम हो गई, शाम के कुछ 7 बज चुके थे। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे फेमस जो बेकर स्ट्रीट है वहाँ पे चले, और बेकर स्ट्रीट हम लोगों को गूगल मैप में दिखा रहा था कुछ तकरीबन पैदल 15 मिनट। तो हम लोग सोचे कि चलो थोड़ा पैदल भी चल लेंगे और जाके थोड़ा पेस्ट्री भी खाएंगे तो थोड़ा कैलोरी भी बर्न हो जाएगा। तो हम लोग जाते जाते वाइट टाउन को एक्सप्लोर कर रहे थे, वहाँ पे आपको चारों तरफ आपको बेकरी मिलेगा और बहुत से अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल कैफ़े मिल जाएंगे, और वहाँ पे लोग बाहर पे फ़ोटो ही खिंचवाते रहते हैं। जैसे ये आपके क्लिंस किचन बोल के अनदर, बहुत ही खूबसूरत और एक से बढ़कर एक एम्बियंस, बिल्कुल आपको लगेगा कि आप फॉरेन के किसी कैफ़े डेस्टिनेशन पर आ चुके हो। फिर हम लोग जाते जाते फाइनली पहुँच गए हम लोग बेकर स्ट्रीट। Guys, finally we have reached Baker Street, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है पौंडीचेरी में। गाइज़ फाइनली दिन ख़त्म होते होते रात हो गई, और रात ख़त्म होते होते हम लोग चले गए फेमस बिरयानी शॉप कमाची बोल के, जो कि पौंडीचेरी में बहुत ही ज़्यादा फेमस था। वहाँ से हम लोग एक ऑटो लिए, ऑटो का मज़ा लेते लेते सिटी की तरफ और चारों तरफ देखते हुए, और हम लोग पहुँच गए कमाची रेस्टोरेंट, जो कि उसके बहुत से ब्रांचेस थे।
हम लोग ये वाले ब्रांच पे गए थे, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है वो कौन सा ब्रांच पे है। फिर यहाँ पे आपको बिरयानी, यहाँ पे लोकल आपके मदुराई मटन, सूखा कारी डोसा, ये फेमस था कारी डोसा ही, बट मुझे मिला नहीं हम लोगों को। बट फाइनली हम लोगों ने वहाँ पे बिरयानी ऑर्डर किए, हम लोग मज़े से बिरयानी खाए। और सच बोले मैं आपको, इतना अच्छा बिरयानी था, एक भी ऑयल तक आपको नहीं मिलेगा, मतलब सो नीट। आपके हाथ में बिरयानी के वो स्मेल तक, स्मेल तो डेफिनेट रहेंगे लेकिन आपके ऑयल आपके हाथ में बिल्कुल नहीं रहेगा आपके खाना खाने के बाद, और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। उसके बाद अगले दो दिन भी ट्रिप बहुत अच्छे से गुजरा, तो आप समझ ही पा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तो नहीं बोलूँगा बट इट्स बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही अच्छा बिरयानी मिला, तो इट वॉज़ रियली गुड, मस्ट ट्राई। आप आते हो तो धोने बिरयानी कमाची डेफिनेटली ट्राई करना, और इन लोग आपके बनियान लीफ में भी देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगता है।